यूनिक जगह लगी, एकदम यूनिक सी जगह है। 15 मिनट लगे। इस ट्रैक के बेस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे सुद्धवाला से होके भाववाला, देन वहाँ से अंदर जाके कोटी विलेज तक जाना था, जो कि ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है चक्राता हाईवे से। वहाँ से मेरी ट्रैकिंग शुरू होती है। इस पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से हमें लेफ्ट जाना था। एंड देन फ्रॉम भाववाला टुवर्ड्स द राइट। तो अभी मैं हूँ बिरसेनी गांव, और यहाँ से करीब आधा घंटा वहाँ पे मुझे मिलेगा कोटी गांव। फिर वहाँ से ट्रैक करके हमें जाना है ऊपर तक, जहाँ पे हमारा टेंपल है। एंड आई होप दिस विल बी वेरी गुड, बट बहुत धूप होगी, बहुत सनशाइन होगा। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स है, एक प्रोटीन बार है, थोड़ा सा पानी है 1 लीटर। इसके आगे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ दुकानें वगैरह मिलेंगी। हाँ, कोटी तक मिल जाएंगी, तो आराम आराम से जाएंगे। आज धूप तो बहुत होने वाली है। So I have started the track. यहाँ पे रास्ता समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि bifurcate हो रहा है। एंड यहाँ पे कोई ट्रैकर का क्राउड भी नहीं है। So I am on my own. I have to use my own brain to find out the way. I can see the temple. It's quite far. It's right there. बहुत सुंदर है, ऊपर से अच्छा लगता है। ये मसूरी हिल का लास्ट रेंज है, एंड दूर वहाँ पे बहुत फॉग है, दिख नहीं रहा है। शिवालिक रेंज है, देखते हैं ये रास्ता कहाँ तक जाता है। ये बॉनफायर किया था,
यही भी छोड़ गया, इसी में जला दिया सुट्टा बुट्टा, मास्क का छोड़ गया। कैसे पोल्यूशन करते हैं लोग, आई थिंक दिस इज़। अब यहाँ पे कौन आके साफ करेगा, कोई नहीं करेगा, ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है। इसी आई थिंक हाफ एन आवर में जंगल स्टार्ट हो जाएगा। सो 1200 मीटर की ऊंचाई पे है, बैक ट्रैकिंग मैंने ऑन कर दिया है। काफ़ी स्टीप है, पत्थर वाला रास्ता है, शायद वहाँ जाने के बाद थोड़ा हमें अच्छा वाला प्लेटू मिले। यू हैव टू गो अप। अभी ट्री लाइन ख़त्म हो चुकी है, बंजर ज़मीन तो धूप बहुत है, छाँव नहीं है। यहाँ पे करी लीव्स सॉरी पुदीना, इसके बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत सारे पुदीने के पेड़ है। राइट नाउ द एलिवेशन इज़ 1460 मीटर्स, ऑलमोस्ट 1500 मीटर की ऊंचाई पे है, कम से कम 2500 से 3500 फीट की ऊंचाई पे हूँ और हमें उस डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे डंग है, मतलब यहाँ से कैटल गुजरी है और ये कच्चा है। एंड देयर इज साइंस ऑफ ह्यूमन, बिस्किट का पैकेट, ओरियो का पैकेट, मतलब यही रूट है। सो दिस दैट्स वे यू एक्चुअली ट्रेस। हवाओं की बहुत आवाज़ आती है वैली में, और यहाँ पे एक वाटरफॉल भी दिख गया मुझे, वो रहा नीचे, उसका आवाज़ यहाँ तक आ रहा है। पानी कम है लेकिन बारिश के सीज़न में बहुत पानी होगा क्योंकि ये पूरा एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो रहा है। आई थिंक दैट इज़ कोटी वाटरफॉल, मे बी, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे ढलान है, हमें जाना है ऊपर की तरफ। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन द एजेस, यहाँ पे कोई है नहीं, मैं गिरूँगा मेरी आवाज़ तक सुनाई नहीं देगी। सरप्राइजिंगली बहुत ही ऑफबीट जगह है। यहाँ पे हो मतलब हमारा मालिक भी यहीं पे होगा, है ना ब्यूटीफुल। बस मारना मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, डरना नहीं, अरे डरना नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये रूट सही है कि गलत है, मतलब ट्रेसेस तो मिल रहा है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम वो वाला माउंटेन लेते तो एक ही माउंटेन से होके हम टेंपल तक पहुंच पाते, पर नीचे से ही वो एक्सेसिबल नहीं था। जो रास्ता गांव से था वहाँ से यही वाला माउंटेन था, तो हमें एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में जाना पड़ेगा। व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज़ यहाँ से तो मैं ऊपर चला जाऊँगा लेकिन वहाँ तक जाने के बाद अगर नीचे वैली हुआ फिर ऊपर जाना पड़ा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हमारा टारगेट है एग्जैक्टली वहाँ पे, देयर इज़ द टेम्पल देयर। बहुत लेट हो चुका हूँ और धूप बहुत तेज़ है। आई एक्सपेक्ट सम रेनफॉल, यू नो।
सो अभी भी बहुत बाकी है, मुझे 2-3 लोग दिख गए थे नीचे, वो लोग नीचे उतर रहे थे, एक फैमिली, थोड़ी सी जान में जान आई। और लग रहा है कि 200-300 मीटर का एलिवेशन और है, और यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा टेंपल तक, तो हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। भंडारा चल रहा है, वहाँ पे खाना खाएंगे। अब तो हम नहीं रुकेंगे, अब रुकने का सवाल ही नहीं होता है। 2000 मीटर का एलिवेशन क्रॉस कर चुके हैं, थोड़ा और ऊपर उठेंगे। है मैं प्रोटीन बार, ये देखो एकदम पूरा फूल चुका है। हम अभी एलिवेटेड एरिया पे है, तो यहाँ पे हवा का प्रेशर कम है, तो ये अंदर से पूरा फूल रहा है ये। गोइंग अप, इंक्लाइन खत्म ही नहीं हो रहा है। खत्म नहीं हो रहा है, अभी भी काफी दूर है। इट्स क्वाइट अ लॉन्ग ट्रैक। ट्रेल दिख रहा है, सामने मंदिर है, अभी भी काफी चढ़ना है, डिस्टेंस काफी है। दिस स्मॉल पार्ट गोइंग अंडर द ट्रीज, तो थोड़ा सा फॉरेस्ट ट्रेल मिलेगा, अदरवाइज पूरा का पूरा पत्थर है। और अभी मुझे दिख रहा है कि मंदिर के बेस तक तो आप बाइक लेके आ सकते हो। आई थिंक वो रास्ता मसूरी से इंटरकनेक्टेड है। चलो नेक्स्ट टाइम बाइक से ही आएंगे, इस बार ट्रैक ही कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 4 घंटे की मेहनत के बाद मैं ऊपर तक पहुंचा। बहुत भूख लग रही थी, दोपहर के 12:30 बज रहे थे, एंड वहाँ पे भंडारा में खाने को मिला टेस्टी खाना। इतना भूखा पेट, मैंने सोचा पहले खाना ही खा लेते, तो मैं बैठ गया, उसके बाद जाके मैंने मंदिर में दर्शन किए। मेरे पास 1 पैसा भी कैश नहीं था, और वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था, तो ना मैं किसी दुकान से मैगी या पानी का बोतल भी ख़रीदना मेरे लिए नामुमकिन था उस दिन। पर किसी ने मुझे बॉटल ऑफर किया, और वहाँ पे मुझे इस तरीके का प्रसाद मिल गया। रहने वाला हूँ बिहार का। अच्छा, हथियारी साइड। जुड्डू सुना आपने? जुड्डू हाँ, यहाँ पर डैम है, जुड्डू से थोड़ा सा नीचे। कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में पढ़ता हूँ। 10th में पढ़ता था, अभी CBSE बोर्ड दिया हमने ना, हाँ, अभी रिजल्ट नहीं आया। तो ये तुम यहाँ पे रेगुलर आते रहते हो? नहीं रेगुलर नहीं, अभी ये हमारे देवता हैं, हम आते रहते हैं तो साल में एक बार। अच्छा, देवता के चरणों में अपनी आस्था वो करने। अच्छा, तो ये भंडारा आप लोगों ने लगवाया है? नहीं, ये महाराज जी, श्री दीपक महाराज जी। अच्छा। जो दुदलेश्वर नाम से गौ संस्था है ना। हाँ। और ये चल के यहाँ तक आए हैं, पर्टिकुलरली इस पेड़ के नीचे, इसने मुझे दिखाया। ऊपर से नीचे आना पड़ता है, नेटवर्क सिर्फ यहीं पे मिलता है, और ये 60 मिनट दिखा रहा है। मैंने गलती से ऐप डिलीट कर दिया था। बढ़िया है, यूनिक जगह लगी, एकदम यूनिक सी जगह है। 15 मिनट लग जाएंगे क्योंकि बड़ा ऐप है, बट ठीक है, एक चांस तो मैं ले ही सकता हूँ। 4G मिल रहा है थोड़ा बहुत। 15 मिनट
इस पूरे एरिया में यहीं पर नेटवर्क मिलता है, ये किसने आविष्कार किया? भगवान ने। ऐसा माना जाता है जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हुआ था और सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तो लॉर्ड बलराम इस जगह पर रुके थे और कई सालों तक उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया। उन्होंने यहाँ के लोगों को खेतीबाड़ी सिखाया, इनको हल बनाना सिखाया, इसलिए हल के साथ लॉर्ड बलराम को याद किया जाता है। यहाँ पे 4 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे भंडारे पे खाना खाया, पानी मिल गया, एक दोस्त मिल गया, इतनी शांति मिल गई, छांव मिल गया। सो दैट्स कॉल्ड डिविनिटी एंड आई लाइक इट। ऐसी जगह का अलग ही माहौल होता है और ये इंडिया का एकमात्र टेंपल है जो लॉर्ड बलराम को डेडिकेटेड किया गया है। ये ऐसा बोला जाता है कि ये द्वापर युग में ये मंदिर बना था और अभी तो फिलहाल यहाँ पे कीट वगैरह चल रहा है एंड अंग्रेज़ों ने यहाँ के मूर्ति के अंदर इसको हाथ रखने की कोशिश की थी मूर्ति की, अब यहाँ पे ओले बरसे थे। भारत आस्था और विश्वास का देश है, बहुत सारी जिंदगियाँ चलती है आस्थाओं के ऊपर, और मेरे जैसे इंसान को जब ऐसे जगह पे जाने का मौका मिलता है तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। टू लीव दिस मेजेस्टिक प्लेस, मजा आ गया। ना साथ में कैश, ना फोन में नेटवर्क, और यहाँ पे भंडारे में खाना मिला, पानी ले लिया मैंने भरपूर, एक लड़का मिल गया, अब क्या बोले, कृष्ण बलराम की जोड़ी, इट्स डिवाइन। दैट गाय, वो 16 साल का लड़का है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे दोस्त मिल जाते हैं। एक मुंबई में बैठा है आर्यमान, एक यहाँ पे मिल गया आदित्य, देयर इज सम कनेक्शन एंड राज एंड आई लव्ड इट। राधे राधे, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हमने सोच कर ली कोटी, तो हमारी बहन भी है। अच्छा, मैं तो ट्रैक करके आया, चलते चलते पैदल। अच्छा, हाँ अभी पैदल जाऊंगा, चलते चलते नीचे तक। पैदल ही आए, हम भी पैदल ही आए। अच्छा, आप लोग क्या कोटी जाओगे? नहीं, सर्तली, सर्तली। अच्छा अच्छा अच्छा, शाम होने तक पहुँच जाओ, बस यही दुआ कीजिएगा। बैक ट्रैक फीचर, सो आई एम एक्चुअली ट्रैकिंग माई वे पॉइंट्स। तो जैसे जैसे मैं आया, आई पुट वे पॉइंट्स इन द कॉम्पास ऐप, सो वे पॉइंट 1 लाइक माई पार्क बाइक, सो देयर आई हैव पुट 3 वे पॉइंट्स, आई हैव ऑलरेडी कवर 2, सो आई कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई द लैंडमार्क्स। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी यूजफुल टूल। नाउ द नेक्स्ट वे पॉइंट इज क्वाइट फार, इट्स 1.8 किलोमीटर and the elevation I have to cover is 474 meters. I have to go down and then from there, jahan pe main pehli baar baitha tha, wahan se hum direct Koti village ke parking tak jayenge. I hope it will work the best. Return is always quick somehow. Descent abhi tak aaya nahi hai, ye is pahadi ka peak cross karne ke baad descent shuru ho jayega. थोड़ा जल्दी उतरने की कोशिश करेंगे ताकि जाके रेस्ट कर सके अच्छे से।